आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को दी सलाह, प्रदर्शन करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ कर। सीए पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा, केरल विधानसभा का प्रस्ताव असंवैधानिक। 100 बच्चों की मौत पर कांग्रेस की चुप्पी, शिवसेना बोली कांग्रेस में अनुशासन की है कमी। मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन की तैयारी, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। और मध्य प्रदेश में बिगड़ा मौसम, 35 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। सीए के खिलाफ प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग आज भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की जरूरत है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ हफ्ते पहले ही संसद ने सीएए बनाने का ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग और उनके साथी दल और उनका बनाया इकोसिस्टम भारत की संसद के खिलाफ ही उठ खड़ा हुआ है। जैसी नफरत वो हमसे करते हैं, ऐसा ही स्वर अब देश की संसद के खिलाफ दिख रहा है। आज हर देशवासी के मन में सवाल है कि जो लोग पाकिस्तान से अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बेटियों की जिंदगियां बचाने के लिए यहां आए हैं, उनके खिलाफ तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान ने उन पर ये जुल्म किया, उसके खिलाफ इन लोगों के मुंह पर ताले क्यों लगे हुए हैं? प्रधानमंत्री ने अपील की है कि अगर आपको नारे लगाने ही हैं तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान से आए दलित पीड़ित शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर ये दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित पीड़ित शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की रीति और नीति में बदलाव का संकल्प भी पूरा हो रहा है। जम्मू कश्मीर से 370 को हटाकर वहां से आतंक और अनिश्चितता को दूर करने का काम शुरू हो चुका है। वहां विकास के नए युग का संकल्प भी पूरा हो रहा है। 2014 के बाद से ही सामान्य मानवीय जीवन में सार्थक परिवर्तन लाने वाले अभूतपूर्व प्रयास भारत ने किए हैं। आज खुले में शौच से देश को मुक्त करने का संकल्प, गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति का संकल्प और किसानों, छोटे व्यापारियों, श्रमिकों को पेंशन का संकल्प सिद्ध हो रहा है। सीए के खिलाफ केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया है। इसके बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा, नागरिकता केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। केरल विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास किया है, इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्र का विषय है, इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है। उन्होंने कहा, यह हैरान करने वाली बात है कि जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली थी वह गैर संवैधानिक बात कर रही है कि नागरिकता संशोधन कानून राज्य में नहीं लागू होने देंगे। यह कानून संसद द्वारा पारित है। नागरिकता देना या लेना संविधान की सातवीं
अनुसूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद नागरिकता संबंधी किसी विषय पर कानून बना सकती है। केरल विधानसभा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, जिसका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले बाम मोर्चा और कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने समर्थन किया था। हालांकि बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी का सिर्फ एक विधायक है। दे आर ओनली मेकिंग ए डिमांड बट यू आर अवेयर दैट इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वॉज हेल्ड एट कन्नूर। दे हैव पास्ड रेजोल्यूशन एंड दे हैव क्लेम्ड इन दैट रेजोल्यूशन that history congress people have advised the government not to cooperate with the central government, not to provide any information. So this resolution may be a part of the advice which has been given by the history congress to the government, but this has no legal or constitutional validity. Why? Because citizenship is exclusively a central subject. So this actually means nothing. महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस में तनातनी शुरू हो गई है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, यह पार्टी रोड़े अटकाती है। जाहिर है शिवसेना ने कांग्रेस को तरीके से काम करने की नसीहत दे दी है। यह पहला मौका है जब सरकार बनने के बाद शिवसेना ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार होते ही तनातनी शुरू हो गई है। कांग्रेस के भी नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जिन्हें उद्धव कैबिनेट में जगह नहीं मिली। पुणे में तो कांग्रेस दफ्तर तक में तोड़फोड़ कर दी गई। अब शिवसेना ने इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस में अनुशासन की कमी है, ये पार्टी रोड़े अटकाती है। इस पर कांग्रेस ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। करीब 34 दिन पहले महाराष्ट्र में यह खिचड़ी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद यह पहला मौका है जब शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीती 30 दिसंबर को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, तब शिवसेना के 12, एनसीपी के 14 और कांग्रेस के 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण, नसीम खान, प्रणीति शिंदे, अमीन पटेल और संग्राम थोराट जैसे नेता नाराज बताए गए। संग्राम थोराट के समर्थकों ने तो पार्टी के पुणे कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। ये नेता केंद्रीय नेतृत्व के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को गलत जानकारी दी, जिससे वे नेता मंत्री बन गए, जिन पर चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप था। कोटा के सरकारी जेके लोन हॉस्पिटल में बीते दिसंबर महीने में मरने वाले बच्चों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। इस मामले पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुई है। ऐसे में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश में तो गरीब पीड़ित माओं से जाकर मिलती हैं, लेकिन जहां उनकी पार्टी की सरकार है वहां जाकर मृतक बच्चों की माओ से नहीं मिलती है। ऐसे में यूपी पीड़ितों के परिवारों से मिलना उनका राजनीतिक स्वार्थ और कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी। कोटा के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहाँ बीते 2 दिन में 9 बच्चों की मौत हुई है। सरकारी जेके लॉन अस्पताल में बीते दिसंबर में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच गई है। बीते दिसंबर में अस्पताल में बच्चों की मौत की संख्या का आंकड़ा डराने वाला है। बच्चों की मौत के मामले ने तूल पकड़ने के बाद गहलोत सरकार ने हरकत में आकर अस्पताल अधीक्षक को हटाते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। इस बीच अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही भी सामने आ रही है। सीएम गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोटा के आसपास के जिलों से गंभीर हालत में लाकर बच्चों को यहां भर्ती कराया गया था। इसमें नजदीकी राज्य मध्य प्रदेश के बच्चे भी शामिल थे। ये आपको अगर आंकड़े बताऊं आपको मैं, सबसे कम जाने 6 साल में इथल गई है, सबसे कम जाने गई। ये आपको लगता है क्योंकि कोई बात मौत एक भी होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, बच्चे की मौत होना, पर मौतें 1500 भी हुई एक साल के अंदर, 1400 भी हुई है, 1300 भी हुई है, इस साल करीब लगभग 900 हुई है। पर 900 क्यों हुई है, क्यों हो, मौत एक भी नहीं होनी चाहिए। तो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, हर अस्पताल के अंदर 3-4-5-7 मौतें होती है, प्रतिदिन होती है, कोई नई बात नहीं। जयपुर में भी होती है, मैंने पूरी तरह वहां जांच करवाई है, एक्शन भी कम कर रहे हैं, क्या सुधार हो सकता है वहां भी हो, पूरे प्रदेश के अंदर भी हो, किस प्रकार से
पिछले टर्म में भी हमने जो वार्ड ऑपरेशन थिएटर होते हैं उनको हमने पहली बार लंबे अरसे के बाद में उनके अपग्रेडेशन काम किया था। हम लोगों ने खुद के निकम में पन को छुपाने के लिए और CAA और NRC के मुद्दे पर जो आग लगी पूरे देश के अंदर, उससे परेशान है मोदी और अमित शाह, क्योंकि जिस तरह की आग लगी इन्होंने लगाई है पूरे कंट्री के अंदर। अभी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बच्चों की मौत पर राजनीति करना सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है और उसके लिए मैं BJP की निंदा करता हूँ। अब इस मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बच्चों की मौत के मामले में गहलोत सरकार के उदासीन और असंवेदनशील रवैये का जिक्र करते हुए सभी को गैर जिम्मेदाराना बताया है। इसके साथ ही मायावती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में तो गरीब पीड़ित माओं से जाकर मिलती हैं, लेकिन जहां उनकी पार्टी की सरकार है वहां जाकर मृतक बच्चों की माओं से नहीं मिलती हैं। ऐसे में यूपी पीड़ितों के परिवारों से मिलना उनका राजनीतिक स्वार्थ और कोरी नाटकबाजी ही माना जाएगा। वहीं भाजपा की IT सेल की ओर से भी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर इस घटना को लेकर हमला बोला गया है। सवाल उठाया गया है कि कोटा में सरकारी अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सोनिया और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कोटा नहीं जा रही हैं। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि विधान परिषद के गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक के बाद विधान परिषद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। PC शर्मा ने मध्य प्रदेश क्लियरेंस एक्ट 2019 पर कहा कि अब उद्योगपतियों को मंजूरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आवेदन देने के साथ ही 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने विधान परिषद के गठन को लेकर कहा कि केंद्र की मंजूरी मिलते ही विधान परिषद के गठन की कवायद शुरू हो जाएगी। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विधान परिषद में 76 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। MP क्लियरेंस एक्ट 2019 पर शर्मा ने कहा कि उद्योगपतियों को मंजूरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उद्योगपतियों को आवेदन देने के साथ ही 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द मंजूरियां मिल सकेंगी। PC शर्मा ने कहा पर्यटन विभाग भोपाल इंदौर के बीच फिल्म सिटी बनाएगा, साथ ही गांव में भी थिएटर बनाए जाएंगे। प्रदेश में निवेश में वृद्धि करने के लिए लाया गया था, अब इसमें आवेदन ऑनलाइन करते ही 24 घंटे में 20 प्रकार की अनुमतियां और मंजूरियां उद्योगपतियों को मिल जाएगी, जिससे उद्योग आकर्षित हों। जो मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि ये निवेश और उद्योग आकर्षण से आते हैं, न कि लोगों को अपील करने से। शर्मा ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर आरोप लगाया और कहा केंद्र को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन और अमित शाह के दौरे पर शर्मा ने कहा कि जनता भी CA और NRC को लेकर सड़कों पर है। धमतरी में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने विधायक दंपति के वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पूर्व विधायक शिवराज शाह और उनकी पूर्व विधायक पत्नी पिंकी शाह के वाहन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। बाद में शाह दंपति ने मामले की शिकायत पुलिस में की। मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक शिवराज शाह और सिहावा की पूर्व विधायक पिंकी शाह जब एक बैठक में भाग लेकर वापस रायपुर लौट रहे थे, तब धमतरी में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने उनके वाहन में टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक चालक के साथ पूर्व विधायक दंपति से उलझ गए। शाह दंपति के साथ स्थानीय युवक सिहावा चौक पर बदतमीजी पर उतारू हो गए और पूर्व विधायकों के PSO के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद भी मामला शांत ना होते देख शाह दंपति ने कोतवाली में जाकर FIR दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भाजपा कार्यालय में बैठक के बाद शाह दंपति रायपुर जा रहे थे, तभी उनके साथ ये घटना हुई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 35 जिलों में 24 घंटे के अंदर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर कई इलाकों में मौसम अचानक बिगड़ गया और बारिश हुई। सिवनी और बालाघाट में ओलावृष्टि, बेमौसम ओले गिरे। इंदौर में दिन भर कोहरा रहा। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मौसम अचानक बदल गया। देर रात सिवनी में जमकर ओले बरसे, वहीं बालाघाट में भी ओलावृष्टि हुई। शहडोल में भी बारिश का दौर जारी है। इंदौर सहित आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विमान यातायात प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने 35 जिलों में 24 घंटे के अंदर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, नीमच, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, गुना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर, अनूपपुर, डिंडोरी,
बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, होशंगाबाद, हरदा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट शामिल हैं। इंदौर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता 100 मीटर होने से सड़क पर वाहन चलाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घने कोहरे की वजह से फ्लाइट प्रभावित हुई। कोलकाता से इंदौर आए फ्लाइट को 100 मीटर की दृश्यता की वजह से अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थियों की स्कूल में अटेंडेंस 75% से कम है, वो इस बार CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। CBSE बोर्ड ने इसके लिए सभी स्कूलों से बच्चों की उपस्थिति का डाटा मंगवाया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बैठने के लिए 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। CBSE ने इस संबंध में सभी स्कूलों को नोटिस भी भेज दिया है और उन छात्रों की अटेंडेंस की गिनती करने को कहा है जो इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्सा लेंगे। बोर्ड ने 1 जनवरी 2020 तक का डाटा बुलाया है। जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होगी, उन्हें CBSE के नियम के अनुसार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। एडमिट कार्ड केवल उन छात्रों के लिए जारी किए जाएंगे जो अनिवार्य उपस्थिति सहित सभी मापदंडों पर खरे उतरेंगे। कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची क्षेत्रीय कार्यालयों तक भेज दी जाएगी और आखिरी फैसला 7 जनवरी को लिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास उपस्थिति की कमी के पीछे एक वास्तविक कारण है तो उसे 7 जनवरी तक अधिकारियों के साथ सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। सर्कुलर के अनुसार ऐसे किसी केस पर 7 जनवरी के बाद विचार नहीं किया जाएगा। CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में 2020 से कई नए नियम लागू होंगे जिनमें प्रश्नों की संख्या कम करना भी शामिल है। प्रश्न पत्र में रॉट मेमोराइजेशन आधारित प्रश्नों के बजाय 33% विकल्प और हाई ऑर्डर थिंकिंग पर अधिक प्रश्न होंगे। थ्योरी की परीक्षाएं 100 अंकों के बजाय 80 अंकों की होगी। वहां इंटरनल असेसमेंट कुल 20 अंकों तक होगा। भोपाल में भले ही माफिया के खिलाफ सरकार कुछ ना कर पा रही हो, लेकिन इंदौर में प्रशासन का अभियान जारी है। इंदौर में भू माफिया रितेश चंपू अजमेरा के क्लब हाउस को तोड़ दिया गया है। वहीं अजमेरा और उसके साथियों के खिलाफ एक मामला और दर्ज किया गया है। चंपू अजमेरा की पिपरिया कुमार में बनी द एड्रेस टाउनशिप में नगर निगम और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर निगम ने यहां 2 पोकलेन 4 JCB मशीनों से कई निर्माणाधीन इमारतों को ध्वस्त किया। जिन इमारतों में रहवासी रह रहे हैं उनमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। गुरुवार को रितेश अजमेरा उर्फ चंपू की कॉलोनी में बने क्लब हाउस को नगर निगम की टीम ने गिरा दिया। प्रशासन की लगातार जारी कार्रवाई से इंदौर शहर में माफिया सकते में है। दूसरी ओर लसूडिया थाना पुलिस ने फिनिक्स देवकौन जमीन घोटाले में चंपू व उसके साथियों के विरुद्ध एक नया केस दर्ज कर लिया। इन लोगों ने कई लोगों से प्लॉट का सौदा किया और रुपए व प्लॉट हड़प लिए। चिकित्सा शिक्षकों ने वेतन विसंगति मामले को लेकर जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा से मुलाकात कर 7वां वेतनमान दिए जाने की मांग की है। चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। ना तो उनको विभागीय प्रमोशन दिया गया, ना ही 7वां वेतनमान। अगर अब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 9 तारीख को चिकित्सा शिक्षक कार्य नहीं करेंगे। वेतन विसंगति मामले में चिकित्सा शिक्षकों ने जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन दिया और 7वां वेतनमान दिए जाने की मांग की। चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि उनको विभागीय पदोन्नति नहीं दी गई और 7वां वेतनमान नहीं बढ़ाया गया। कमलनाथ सरकार द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वेतनमान को लेकर शिक्षकों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो से भी मुलाकात की। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चिकित्सक शिक्षक 9 जनवरी से विरोध प्रदर्शन करेंगे और कार्य नहीं करेंगे। हमारी मेन वही डिमांड है, हमारी विभागीय पदोन्नति और हमारा जो 7वां वेतनमान जो कि 1/16 से सभी विभाग जो जितने ही मध्य प्रदेश सरकार में उनको मिल चुका है, बस एक विभाग छूट गया है जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग है। तो ये तो अनजस्टिस है कि एक ही विभाग को छोड़ दिया जाए और बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें आते हैं, पढ़ाने आते हैं। और हमारा मेन काम जैसा मैंने बताया था कि अंडर ग्रेजुएट MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट MS MD
को अच्छी गुणवत्ता से प्रोड्यूस करना है और इसमें मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक लगे हुए हैं, तो आशा करते हैं कि इसका कुछ एक्शन सरकार जल्दी ले। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने अपने वचन पत्र में कहा था कि चिकित्सकों की मांग मानी जाएगी। 3 माह पूर्व जब चिकित्सक शिक्षकों ने हड़ताल की थी तब सरकार ने वादा किया था कि हड़ताल वापस ले लें, 1 महीने में मामले को निपटा लिया जाएगा, लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार लगातार चिकित्सा शिक्षकों की अनदेखी कर रही है। छतरपुर से चोरी की 2 वारदातें सामने आई हैं। एक घटना में चोरों ने भगवान को ही नहीं बख्शा और राधा कृष्ण की मूर्ति चुरा ले गए। वहीं एक अन्य वारदात में चोरों ने चौथी बार एक दुकान पर धावा बोला और 2.5 लाख का पिपरमिंट चुरा ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। छतरपुर के चंदला थाने के जामरा गांव में चोरों ने प्राचीन मंदिर की बेशकीमती राधा कृष्ण की मूर्तियां चोरी कर ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में लग गई। मंदिर में मूर्तियां चोरी की घटना से ग्रामीण गुस्से में हैं। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद ली लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका। चोरी गई मूर्तियां बेशकीमती बताई जा रही हैं। चंदेलकालीन अष्ट धातु से निर्मित है। चंदला थाना क्षेत्र में एक मंदिर में अष्ट धातु की मूर्ति चोरी होने की घटना हुई है। उसमें भी डॉग स्क्वाड और FSL और साइबर सेल टीम को भेजा गया है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के महोबा रोड की है जहां चोरों ने धावा बोलकर 2.5 लाख रुपए कीमत का पिपरमिंट चोरी कर लिया। चोरी की घटना दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई और इसीलिए चोर CCTV के कैमरे और हार्ड डिस्क भी चोरी करके फरार हो गए। तड़के ही दुकानदार ने चोरी की खबर लगी। दुकानदार का कहना है कि उसकी दुकान में चौथी बार चोरी हुई है लेकिन चोरी की वारदात का पुलिस ने कभी खुलासा नहीं किया। वहीं पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की जांच कर चोरों की तलाश कर रही है। दुकान पे लगभग 3 बजे के लगभग हम जब घर से आ रहे थे, यानी पहले साइरन बजा, चाचा हमारे घर पे पहुंचे और देखा तो उनने बताया कि आपकी दुकानें तारे टूट चुके हैं, तो हम घर से भागते हुए दुकान पे आए और देखा यही तारे टूटे हुए हैं। शटर खोली तो देखा हमारे यहाँ से 4 कट्टी 5 कट्टी माल चोरी हो चुका है, तो हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, रात को ही कॉल किया, TI साहब को कॉल लगाया पहले हमने, तो TI साहब ने उन्हें अवार्ड किया किसी को, तो वहाँ से फिर 100 नंबर डायल करके आया, कोई आया सब चेक किया उनने, यहाँ पे देखा समझ में आया कि माल चोरी हुआ है। CCTV जो लगा हुआ था, कैमरे वैमरे लगे हुए थे, सारे उखाड़ के ले गए और जो हार्ड डिस्क थी हार्ड डिस्क भी ले गए हैं दुकान से, बचा कुछ है नहीं है, फुटेज कोई है नहीं है। लगभग 2.5-3 लाख रुपए का माल था हमारा। हमारी चौथी बार चोरी हो रही है दुकान पे, कोई कानून का कोई वो ही नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा होता है क्या होता है कोई वो नहीं रह गया। अभी वो चाहें तो फुटेज देख के, क्योंकि 2 किलोमीटर के रेंज पे कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पे कैमरे से ही फुटेज देखी जा सकती है, हर चीज़ देखी जा सकती है। एक हथियार बरामद हुआ है, हथियार रखा हुआ है मेरे अंदर रखा हुआ है, हथियार वो रख के गया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में पेपरमेंट की चोरी का एक मामला सामने आया, उसमें FIR की जा रही है और चोरों की तलाश की जा रही है। बड़वानी में रोज रोज की छेड़छाड़ से परेशान होकर कुछ लड़कियों ने अच्छे से एक मनचले को सबक सिखा दिया और उसकी चप्पलों से पिटाई की। पिछले कुछ दिनों से कोचिंग आने जाने के दौरान ये युवक लड़कियों को परेशान कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से कोचिंग आने जाने के दौरान युवतियों को परेशान कर रहे एक मनचले की सरेराह पिटाई हो गई। लड़कियों ने मनचले युवक को चप्पलों से पीटा, हालांकि मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र की निवासी लड़कियां MG रोड के समीप झाड़ू बाजार स्थित कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए आती हैं। पिछले कुछ दिनों से एक युवक उनके साथ छेड़खानी कर रहा था। परेशान लड़कियों ने उसे सबक सिखाने का मन बनाया और इस बार उसने जैसे ही छेड़छाड़ की, लड़कियों ने उसकी मिलकर धुनाई कर दी। युवक की चप्पलों से पिटाई की गई। इस दौरान लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई। रेत खदान में शराब के नशे में 2 लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक को पीटता देख बचाने आए एक युवक को शराबियों ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर में चंदला थाना क्षेत्र के बरुआ रेत खदान में बीती रात शराब के नशे में 2 लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक को
रास्ता देख वीरेंद्र सिंह बीच बचाव के लिए आए, जिससे नाराज शराबियों ने वीरेंद्र पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खेत में पानी लगा रहा था अपने, एक लड़को को मार रहे थे रोड पे, कहता मैं मोहल्ले का लड़का था, लाखन सिंह का इंद्रपाल चौहान मार रहे थे उसको। तो मैंने कहा घर जा रहा था खाना खाने, तो मैंने कहा क्यों मार रहे हो यार, हमारे वाले साथी है वो। तो कहा मारेंगे सालों को, पैसा नहीं देता सालों के लिए मारेंगे उसको। तो मारो भाला, उसने फायर कर दिया सीधे। वो दो लोग थे, दो लोग थे वो। क्या नाम है उसका? लाखन इंद्रपाल, एक गोयलाल चौहान था ऊपर ऊपर टीना में खड़ा था। उसने को कराया था ये ठाकुर आ गए मारो साले को गोली मारो सीधे इसको, कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने बात बचाने के लिए है, उसको बचाने में आता होगा कि आ गया बचा रहा है। गोरियार क्षेत्रीय घटना है, कल शाम में वहाँ दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हुआ, लोग बैठकर शराब पी रहे थे, इस तरह की बात सामने आई है। उसमें उसी दौरान झगड़ा हुआ और गोली चली है और हाथ में गोली लगी है। उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, शीघ्र पकड़े जाएंगे। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविच ने सगाई कर ली है और दोनों ही जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे। हार्दिक ने दुबई में एक लग्जरी यार्ड पर नताशा को घुटने के बल बैठकर प्रपोज किया। अब इस वाक्य के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हार्दिक और नताशा के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। हार्दिक ने नताशा का हाथ पकड़े हुए फोटो शेयर कर अपने रिलेशनशिप पर मोहर लगाई और उन्होंने इसका कैप्शन दिया था, मेरे फायर वर्क के साथ नए साल की शुरुआत। इसके बाद हार्दिक ने शाम को नताशा के साथ फोटो पोस्ट कर सगाई की जानकारी दी। इस फोटो में नताशा सगाई की रिंग दिखाती हुई नजर आ रही हैं। हार्दिक ने इसका कैप्शन दिया था, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। नताशा ने इसके बाद हार्दिक द्वारा सगाई के लिए प्रपोज करते हुए वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दुबई के समुद्र में लग्जरी यॉट पर हार्दिक घुटनों के बल बैठ कर नताशा को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग ए मेरे हमसफर सुनाई दे रहा है। नताशा उनके प्रपोजल को स्वीकार कर उन्हें किस करती हैं। उन्होंने इस वीडियो को कैप्शन दिया है, हमेशा के लिए हाँ। हार्दिक पांड्या सितंबर 2019 से पीठ दर्द के चलते क्रिकेट से दूर हैं, वे इस चोट से उबर रहे हैं। उन्हें इस महीने न्यूजीलैंड दौरे पर भारत की ए टीम में शामिल किया गया है। भारत ए टीम को 22 से 26 जनवरी के बीच 3 वनडे खेलना है। बिग बॉस फेम नताशा स्टेनकोविच ने टीवी रियलिटी शो नच बलिए में अपने एक्स बॉयफ्रेंड एलिगोनी के साथ हिस्सा लिया था। वे म्यूजिक वीडियो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे में भी नजर आई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज।